आज हम बात करेंगे विवेरिया मूवी के बारे में। ये कहानी टॉम और कीमा की है, जो घर की तलाश में ऐसी जगह जाके पहुंच जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कोयल को देखते हैं, जो अपने अंडों को दूसरी चिड़िया के घोंसले में रख रही होती है। और जब उस अंडे से कोयल का बच्चा बाहर निकलता है तो बाकी बच्चों को उन्हीं के घोंसले से बाहर फेंक देता है। लेकिन जिस चिड़िया का एक घोंसला होता है उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका बच्चा नहीं है, इसलिए वो उसे खिलाती जाती है। अब कुछ समय बाद जब ये बच्चा और बड़ा हो जाता है तो वो उसी चिड़िया को डोमिनेट करने लगता है जो कि अब तक उसे खिला रही थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब इस कहानी का इस फिल्म से क्या मतलब है वो आपको आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं टॉम और कीमा को, जो कि एक कपल है और एक घर की तलाश में है। इसलिए ये दोनों पहुंचते हैं रियल स्टेट ब्रोकर के पास, जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन इन्हें बहुत सस्ते में घर दिलवा सकता है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे आए होते हैं। लेकिन मार्टिन की हरकतें इन्हें बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये दोनों मार्टिन की हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर मार्टिन टॉम और कीमा को अपनी सोसाइटी में लेके जाता है, जिसका नाम यूंडर होता है। और इस सोसाइटी में ये लोग बहुत अजीब चीज देखते हैं। यहाँ पे सारे घर और सारे रास्ते ईंटे से होते हैं। और फिर मार्टिन इन दोनों को हाउस नंबर 9 में लेके जाता है और घर दिखाना शुरू करता है। फिर जब टॉम और कीमा घर देखने में बिजी होते हैं, तब मार्टिन चुपके से वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कीमा और टॉम को पता चलता है कि मार्टिन यहाँ से गायब है। वो मार्टिन को ढूंढते हैं लेकिन मार्टिन मिलता नहीं है। अब कीमा और टॉम दोनों डर जाते हैं, क्योंकि पहले मार्टिन की अजीब हरकतें और अब मार्टिन गायब है। ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद ये लोग फिर से हाउस नंबर 9 के सामने पहुँचते हैं। फिर ये दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं, लेकिन फिर वापस ये दोनों हाउस नंबर 9 के सामने ही पहुँचते हैं। फिर एक के बाद एक ये लोग सारे रास्ते ट्राई कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में ये लोग हाउस नंबर 9 के सामने ही पहुँचते हैं। फिर एक वक्त के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब ये चाह के भी यहाँ से नहीं जा सकते। अभी ये लोग काफी थक भी चुके होते हैं, अभी काफी रात भी हो चुकी होती है। अब इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय इस घर के अंदर जाए और वहीं पे रुकें। टॉम और कीमा हाउस नंबर 9 के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ खाने की चीजें ढूंढते हैं। उन्हें फ्रिज में एक शैंपेन की बॉटल और कुछ स्ट्रॉबेरीज मिलती है। जब ये दोनों स्ट्रॉबेरीज खाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये चीज बस स्ट्रॉबेरी जैसी दिखती है, लेकिन ये बिल्कुल बेस्वाद है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह होती है और ये लोग वापस यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। टॉम हाउस नंबर 9 की छत पे चढ़ जाता है और वहाँ से देखता है कि यहाँ के सारे घर और सारे रास्ते एक जैसे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर कीमा और टॉम को लगता है कि अगर ये लोग सीधा चलते जाए तो यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर ये दोनों बिना रुके यहाँ से सीधा चलना चालू करते हैं। सुबह से रात हो जाती है और अब ये दोनों काफी थक चुके होते हैं। ये दोनों आराम करने को कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं और तभी इन्हें एक घर दिखता है जिसके अंदर लाइट्स ऑन होती है। फिर टॉम और कीमा इस घर के अंदर जाते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि ये वही घर है जिसमें आखिरी रात रुके थे, यानी कि हाउस नंबर 9। और अब इन्हें महसूस होता है कि ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है एक पार्सल पे जो घर के बाहर रखा होता है। उसके अंदर कुछ खाना और कुछ जरूरी चीजें होता है। लेकिन ये दोनों बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए ये पार्सल के कार्टन से इस पूरे घर को आग लगा देते हैं। और उनको ये भी लगता है कि ये धुआं देख के कोई उनकी मदद करने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये दोनों थक हार कर यही पे सो जाते हैं। और जब ये सुबह उठकर देखते हैं तो हाउस नंबर 9 वापस पहले जैसा बन चुका था। अब ये दोनों और परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है। और तब वो लोग एक पार्सल देखते हैं। वो लोग पार्सल को खोलते हैं और उस पार्सल के अंदर एक बच्चा होता है। उसके साथ एक लेटर भी होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि बच्चे का पालन पोषण करो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। और अब टॉम और कीमा समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब बस ये बच्चे का ध्यान रखे, उसे बड़ा करे, फिर ये दोनों यहाँ से मुक्त हो गए। उसके बाद दिखाया जाता है कि टॉम और कीमा उस बच्चे का ध्यान रख रहे होते हैं। ऐसे ही 1980s हो जाते हैं, लेकिन बच्चा दिखने में 5 या 6 साल का लगता है। वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी आदमी जैसी थी। यह बच्चा बहुत अजीब था,
उगीमो और टॉम को पूरे दिन घूरता रहता और उनकी नकल करता। खैर, यहाँ की सब बातें अजीब है और अब तक टॉम और गीमा और परेशान हो चुके होते हैं। और ये बच्चा, इसकी सबसे अजीब हरकत है, जब उसे भूख लगती है तो वो चिल्लाना शुरू करता है। और एक दिन टॉम बार स्मोक कर रहा होता है, तभी उसके हाथ से जलती हुई सिगरेट नीचे गिर जाती है और सिगरेट की गिरते ही वहाँ की घास गायब हो जाती है और टॉम को पहली बार जमीन देखने मिलती है। और टॉम यहाँ पे खुदाई करना शुरू करता है और गीमा भी इसका शुरू शुरू में मदद करती है, लेकिन एक समय के बाद उसे लगता है कि ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है। फिर वो टॉम को भी मना करती है, लेकिन टॉम गीमा की बात नहीं सुनता और वो खुदाई चालू रखता है। और ये काम रोज का उसका रूटीन बन चुका था। वो सुबह उठता है और फिर पूरे दिन खुदाई करता है। और दूसरी तरफ गीमा जो घर में होती है, और वो देखती है कि वो बच्चा रोज टीवी पे अजीब सी चीज देखता रहता है। और ये चीज देख के ये दोनों बहुत इरेटेड हो जाते हैं। एक दिन टॉम को गुस्सा आता है और वो बच्ची को बाहर लेके जाता है और उसे गाड़ी में बंद कर देता है। लेकिन ये सब देख के गीमा की ममता जाग जाती है और वो उस बच्ची को बाहर निकाल के लाती है, क्योंकि गीमा ने उस बच्ची को बाल पोस भी बड़ा किया है और वो उसे इस दर्द में नहीं देख सकती। लेकिन इस चीज के बाद गीमा और टॉम में एक दूरी सी बन जाती है। गीमा अपना पूरा वक्त उस बच्चे के साथ बिताती है और दूसरी तरफ टॉम वो दिन भर खुदाई करता और रात में उसी गड्ढे के अंदर सो जाता। समय ऐसे ही बीत जाता है और थोड़े दिन बाद गीमा देखती है कि बच्चे घर से गायब है। फिर वो उस बच्चे को ढूंढती है, लेकिन वो बच्चा मिलता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा खुद ही वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक किताब होती है। गीमा उस किताब को पढ़ती है तो उसे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि इस किताब में बहुत अजीब तरीके से लिखा होता है। और जो बच्चा टीवी पे देखता रहता है वही चीज इस किताब में भी बनी होती है, और कुछ इंसान की आकृतियाँ जिसके गले में कुछ अजीब सी चीज है। और इन सब चीजों को देखने के बाद गीमा को लगता है कि हो ना हो इस बच्चे को कुछ ना कुछ तो पता जरूर है। वो बच्ची के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपको ये किताब किसने दी। बच्चा कहता है कि मैं आपको ये बता नहीं सकता। और फिर इस बात को निकालने के लिए ये बच्चे के साथ एक गेम खेलती है। इस गेम में उस बच्चे को लोगों की नकल करनी होती है। फिर वो बच्चा पहले टॉम की नकल करता है, फिर गीमा की, फिर गीमा उसे कहती है कि उस आदमी की नकल करो जिसने तुम्हें ये किताब दी। फिर बच्चा उस आदमी की नकल करने लगता है और गीमा देखती है कि उसकी आंखें बदल चुकी है और उसके साथ साथ उसके गले से कुछ अजीब सी चीज निकल रही है। ये देख के गीमा डर जाती है और समझ जाती है कि ये बच्चे इंसान का तो बिल्कुल नहीं है। और हम इस बच्चे को जितना खतरनाक समझ रहे थे, ये बच्चा उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और ये समय ऐसे ही बीत जाता है और थोड़े समय बाद हम इस बच्चे को देखते हैं जो कि जवान हो चुका है और इसके साथ साथ टॉम और गीमा से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। और हम अब टॉम और गीमा को देखते हैं, उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों इस आदमी से बहुत डरते हैं। इससे पता चलता है कि ये आदमी उन्हें तंग करता है और उसके साथ साथ इन्हें मारता भी है। ये हमें पता चलता है जब हम टॉम की पीठ देखते हैं, उसपे बहुत सारे निशान होते हैं। और टॉम गीमा को भी बोलता है कि तुमने मुझे क्यों रोका जब मैं इस बच्चे को मारने वाला था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये आदमी रोज घर से बाहर निकल जाता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाता है। बहुत बार गीमा ने उसका पीछा करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है। और गीमा को कभी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ जाता है। और खुदाई के दौरान टॉम को जमीन के अंदर एक लाश मिलती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और उसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर गीमा जब उसे ऐसे हालत में देखती है तो वो समझ जाती है कि इसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो उस आदमी को आवाज देती है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलता। उसके साथ साथ वो घर का दरवाजा भी बंद कर देता है। गीमा बार बार दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। और टॉम और गीमा रात भर बाहर ही रहते हैं। और सुबह गीमा को पता चलता है कि टॉम मर चुका है। वो आदमी गीमा को एक बड़ा सा बैग ला के देता है, जिसमें गीमा टॉम की बॉडी रखती है। और फिर वो आदमी उस बैग को जिसके अंदर टॉम की बॉडी रखी है उसे उसी गड्ढे में फेंक देता है जो टॉम अब तक खोद रहा था। ये देख के गीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी पे हमला कर देती है। और तभी यहाँ पे और भी अजीब चीजें होने लगती है। वो आदमी अचानक से एक जानवर की तरह चलने लगता है
उसके बाद जमीन को ऊपर उठा के जमीन के अंदर चला जाता है। उसके साथ गीमा भी जाती है। वो देखती है कि अंदर भी एक घर है और उस घर में एक औरत बैठ के रो रही होती है। तभी उसका पैर ढसने लगता है और वह दूसरी जगह पहुंच जाती है। दूसरी जगह के बाद तीसरी जगह और उसके बाद वो अपने घर पे पहुंचती है, यानी कि हाउस नंबर 9 में। और फिर गीमा बहुत ही कमजोर होने लगती है। वो चल भी नहीं पाती, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाती। तब वो आदमी उसे भी एक बड़े से बैग में डालता है और उसके बाद उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसपे उसने टॉम की बॉडी को फेंका था। और उस वक्त भी गीमा जिंदा होती है, लेकिन इस बात से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस गड्ढे को भर देता है और जैसे ही वो गड्ढे को भरता है वहाँ पे घास सूख जाती है। और उसके बाद ये आदमी पूरे घर को पेंट करता है और घर को वापस पहले जैसा बना देता है। उसके बाद उनकी गाड़ी लेके वो मार्टिन के ऑफिस पहुँचता है। तब हम देखते हैं कि इतने कम समय में मार्टिन बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, इसलिए ये आदमी उसे भी एक बैग में डालता है और ड्रम में बंद कर देता है। मार्टिन का बैच लेके वो मार्टिन मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पे और एक कपल आते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो अब बात करते हैं मूवी के असली मतलब के बारे में। इस मूवी का असली मतलब छुपा है इस मूवी की स्टार्टिंग में। जब आपने घोंसला देखा था, उस घोंसले में जैसे अंडा आया था, उसी तरह पृथ्वी पे एलियंस आए थे और फिर इन्होंने योंडा जैसी जगह का निर्माण किया जिसके अस्तित्व के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। और ना ही इंसान वहाँ पे अपनी मर्जी से आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। ये एलियंस पे लोगों को सस्ते घर का लालच देते हैं और फिर यहाँ पे लाके कैद कर देते हैं ताकि इनके बच्चे का ध्यान रख सके। और जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने कैटिकल्स को मार देता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कोयल के बच्चे को देखा था, इस मूवी का टाइटल इस मूवी के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम ऐसी जगह देखते हैं जिन्हें जंगल, नदी या नाले जैसे बनाया होता है ताकि वहाँ रहने वाले जानवरों को लगे कि वो अपने स्थान पे है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जानवरों को हमेशा महसूस होता है और उन्हें पता है कि वो किसी और जगह पे है। वैसे ही हमें इस मूवी में दिखाया जाता है, योंडा सोसाइटी को झांसा देने के लिए बनाया गया था और योंडा में खाना भी जलावा था जिसमें किसी तरीके का भी कोई भी स्वाद नहीं था। और उसके साथ साथ योंडा सोसाइटी का टाइम और रियलिटी भी चेंज किया गया था। हम ये तब देखते हैं जब गीमा जमीन के अंदर जाती है और वहाँ पे हमें देखने मिलता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को ये लोग ने कैद किया है और उन्हें डिफरेंट टाइम और डिफरेंट रियलिटी में रखा गया है। और ये एलियंस बहुत समय से ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए टॉम जब गड्ढा खोद रहा था तभी उसे वहाँ पे एक लाश मिली, जो लाश टॉम और गीमा जैसी किसी इंसान की थी जो यहाँ पे आया था। और एलियंस ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इंसानों को स्टडी करे, इसलिए वो बच्चा हर समय टॉम और गीमा को देखता रहता और उनकी हरकतों को ऑब्जर्व करता। और उस किताब में भी इंसानों के बारे में लिखा होता है। और एलियंस ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर में इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। लेकिन ये एलियंस की लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी होती है, ये बहुत जल्दी जवान और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारे यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई हो।